हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ हमारे गांव में गौ तस्करी का मामला सामने आया है। जो मौका है वारदात पे गाड़ी मिली है और उस गाड़ी में गौ माता की चोरी की जा रही थी आकस्मिक, और मौका है वारदात पे पुलिस पहुंची जिन्होंने गाड़ी को अरेस्ट कर लिया है। तो आप देख सकते हो गाड़ी खड़ी है सामने। तो दोस्तों देख सकते हो आप सामने ये पिकअप खड़ी है जिसमें गौ माता बैठी है, और ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए दोस्तों जो गौ माता को बेच रहे हैं बूचड़ खाने के लिए। ये वो गाड़ी जिसमें गौ माता को भरकर गाड़ी को कहीं ले जाया जा रहा था, तो पुलिस के द्वारा मौका है वारदात पे गाड़ी को अरेस्ट किया गया है। ये दोस्तों वो गाड़ी MP08GA3324 जिसमें गौ माता को भर के ले जाया जा रहा था, और ये गांव वाले हैं जिन्होंने मौका है वारदात पे इस गाड़ी को पकड़ा है पुलिस की सहायता से। और ये दोस्तों वो जगह जहाँ से गाड़ी को ले जाया जा रहा था छिपाने के लिए, लेकिन पुलिस की क्यूरियोसिटी से इसको अरेस्ट किया गया है। सर कुछ कहना चाहोगे? ठीक है, गाड़ी चालू हो जाए उसके बाद हम तुमसे बिल्कुल वार्तालाप करेंगे। ओके सर, देख सकते हो दोस्तों। दोस्तों ये वो गाड़ी खड़ी है पुलिस की जिन्होंने गौ तस्करी गाड़ी को अरेस्ट किया है, और अभी भी लोग ठहरे हुए हैं क्योंकि गाड़ी का जो ड्राइवर है वो कहीं भाग गया है। तो गाड़ी को लेके अभी थाने में जाएंगे पुलिस वाले, फिर इसकी रिपोर्टिंग होगी। ये वो गाड़ी है दोस्तों। तो दोस्तों ये वो गाड़ी जिसमें गौ माता को भर के कहीं बेचने के लिए ले जाया जा रहा था, तो रोड पे फॉरेस्ट वालों ने जैसे इस गाड़ी को देखा तो जो ड्राइवर था वो समझ गया कि पुलिस है, तो उसने गाड़ी को दौड़ाया और फॉरेस्ट वालों ने इसका पीछा किया, लेकिन ये निकल आया। फिर थाने में कॉल किया गया, फिर पुलिस आई, इसके बाद इस गाड़ी को अरेस्ट किया गया है। अभी भी इस गाड़ी का जो ड्राइवर है जो गौ तस्करी कर रहा था वो फरार है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ताकि ऐसे लोगों को सबक मिले, क्योंकि जो गौ माता की जो चोरी हो रही है, तस्करी हो रही है, क्योंकि ये कटने के लिए जाती है, तो इस प्रकार की जो वारदातें जो घटनाएं कर रहे हैं ऐसे लोगों को एक सबक मिले, और ऐसे लोगों को मेरे हिसाब से सजा होना चाहिए लगभग 10 साल की, ताकि भविष्य में ऐसा काम ना होए। तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।